कराची में अम दुश्मनों पर जमीन तंग, कोरंगी नंबर 2.5 में सीटीडी और रेंजर्स का ऑपरेशन, अफगानिस्तान से आने वाले कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक, तकरीब कारों के इरफान और नासिर के नाम से शनाख्त। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की फायरिंग, मौलाना फजलुर रहमान के पीर मौलाना अताउर रहमान जां बहक। जज़ाम का शिकार अफराद की मसीहा और पाकिस्तानी मदर ट्रेसा, डॉक्टर रतफाव की आखिरी रसूमात की तैयारियां, सरकारी एजाज के साथ सुर्ख लिबास में दफनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी आज मानसहरा में पावर शो करेगी, बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे और रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। पंजाब पीपल्स पार्टी का है और रहेगा, आइंदा वजीर आला ज्याला होगा, इस बार धांधली होगी ना नतायज चोरी करने देंगे, आसिफ जरदारी का एन 120 के अहदेदारों से खिताब। नवाज शरीफ का आज लाला मूसा और वजीराबाद का दौरा, लीगी कारकुनों से खिताब और गाड़ी तले आकर जाम बहक होने वाले बच्चे के अहले खाना से ताजियत करेंगे। परवेज रशीद ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, डॉन लीक्स रिपोर्ट पर चौधरी निसार पर तनकीद, साबिक वजीर दाखला का भी करारा जवाब, कहा साबिक वजीर इत्तलात हुकूमत को न्यूज लीक्स रिपोर्ट सामने लाने का मशवरा दें, कौम से पहेलियां ना बुझवाएं, इखलाकी जरूरत है तो खुलकर बात करें, तर्जमान का रद्दे अमल। यूएई ने गल्फ स्टील मिल्स की फरोख का मुआहदा झूठा करार दे दिया, कतरी खत बेमायनी हो गया, ब्रिटिश वर्जिन आयरलैंड ने कहा मरियम नवाज नेल्सन और नेस्कॉल की बेनिफिशियल ओनर हैं, रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के बाद हलाकतों की तादाद 10 हो गई, दर्जनों अस्पतालों में जेर इलाज, पीटीआई हुकूमत परेशान, शहबाज शरीफ का परवेज खटक को टेलीफोन, खिदमात की पेशकश। फोन न्यूज बना कराची के नन्हे फूलों और मजबूर वालदेन की आवाज, फीसों में इजाफे पर वजीर तालीम का नोटिस, डायरेक्टर स्कूल तलब, इंतजामिया इजाफा वापस लेने पर तैयार। 24 न्यूज ने कराची के सफारी पार्क की बिजली बहाल करा दी, जानवरों की जान में जान आई, साफ पानी भी मिल गया और रोशनियां भी वापस लौट आई। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का 21 अगस्त से हड़ताल का ऐलान, ओगरा जायज मुतालिबात मानने को तैयार, तर्जुमान कहते हैं बहुत से मामलात फौरी हल नहीं हो सकते। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम, रवा बरस बैंकों से निकलने वाले 120 शहरी लुट गए, फेडरल बी एरिया से एक हफ्ते के दौरान कई गाड़ियां चोरी, सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियां आबाद, कोई बकरा तो कोई छतरा खरीदने निकल पड़ा, किसी को है तगड़े बैल की तलाश, शहरियों का महंगे दाम होने का शिकवा। बर्मिंघम में शांगला के यतीम बच्चों की बहाली की तकरीब, बच्चों की तालीम के लिए खूब काम करेंगी, नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का खिताब। जमीन पर ही जमीन की तबाही के लिए खतरनाक हथियार मौजूद, जमीन कीमियाई हथियारों का असलहा डिपो बन गई, सिर्फ रूस और अमेरिका के पास 13,800 कीमियाई हथियारों का जखीरा है। उमर अकमल को जबान दराजी महंगी पड़ गई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से 6 माह की पाबंदी का इम्कान, बोर्ड का कहना है फिटनेस के 7 मौके दिए गए, नाकामी पर ड्रॉप किया गया।
पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट देखने के लिए बेताब हैं। मिसबाह हक की लंदन में तकरीब में गुफ्तगू। साबिक स्पिन बॉलर सईद अजमल बोले, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन नए खिलाड़ियों को मेरिट पर सलाहियत उजागर करने में मदद फराहम करेगी। फैसलाबाद क्रिकेट के लिए महफूज तरीन शहर करार। नेशनल टी20 कप इकबाल स्टेडियम में होगा। फैसलाबाद टीम की कयादत मिसबाह उल हक करेंगे। चूर का जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए। अदाकारा रेशम कहती हैं, शोबिस की शादियां नाकाम हो जाती हैं, इसलिए इरादा ही तर्क कर दिया। और 7 जबानों में 45,000 से ज्यादा गीत गाने वाले गुलकार अताउल्लाह इसहाक़ एलवी 66 बरस के हो गए।